की डेट में हमें देखा जाए तो स्टेटमेंट निकालने के बहुत ही सारी जरूरत करनी पड़ती है। तो अगर हम टोल फ्री बात करते हैं तो कभी कभी सर्वर भी नहीं चलता है। लेकिन देखा जाए तो मैं आपको एक ऐसा तरीका अपनाने बताने वाला हूँ कि आप बिना नेट बैंकिंग को ओपन करे हुए और बिना कोई फ़ोन करे, बिना बैंक जाए हुए स्टेटमेंट पता कर सकते हैं केवल व्हाट्सएप द्वारा। व्हाट्सएप देखा जाए बहुत ही सारी सर्विस प्रदान करता है, और बैंक ऑफ बड़ौदा EPI से आप पता कर सकते हैं आपके खाते में कितना पैसा आए। क्योंकि अगर हम चेक करवाने के लिए कहीं दुकान जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय नष्ट होगा, बैंक जाएंगे बहुत ज़्यादा समय नष्ट होगा, और नेट बैंकिंग का भी सर्वर नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पर आसानी से आप देख सकते हैं कि हमारा कितना पैसा आया और गया। यहाँ पर बहुत ही सारी सर्विस मिलने वाली, बैलेंस चेक करने की आप, और इसके बाद मिनी स्टेटमेंट और भी आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं व्हाट्सएप में कैसे बैलेंस चेक करते हैं। दोस्तों देखिए बहुत ही आसान है, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको कैसे बैलेंस पता करना, मिनी स्टेटमेंट लगाना, और कैसे आप मिनी स्टेटमेंट के साथ साथ बहुत ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए वीडियो में पूरा देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये नंबर सेव कर लेना, ये आपको नंबर दिख रहा है तो आप इसको वीडियो को रोक करके नंबर नोट कर लीजिए। और ये नंबर सेव करने के बाद आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए डायरेक्टली बता रहा हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा वालों के लिए है और अदर किसी के लिए नहीं है। तो इस चलिए हम इसको नंबर सेव कर लेते हैं और इसके बाद हम इसमें मैसेज लगाते हैं। यानी कि इसके बाद हमें क्या करना है कि इसी पे मैसेज करना, उसी नंबर से मैसेज करना जिस नंबर से हमारा लिंक है। और ध्यान दीजिए कि इसमें आपके अगर दो तीन नंबर भी अगर लिंक होंगे, अकाउंट होंगे, तो भी आपका बैलेंस चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे हेलो या कुछ भी लिख के भेज देते हैं तो अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, फास्ट रिचार्ज, बैलेंस का हर एक डिटेल्स आ जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास सेविंग अकाउंट का डिटेल आ जाएगा, डेबिट कार्ड का, चेकबुक का आ जाएगा, और इन्वेस्ट पर जाएंगे तो और जो एडिशनल सर्विस होगी डीमैट अकाउंट से रिलेटेड वहाँ पर आ जाएंगी। तो हम सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखेंगे हमें अकाउंट का और डेबिट कार्ड का, चेकबुक का डिटेल यहाँ से लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेंड पे कर देते हैं, और सेंड पे करने के बाद आप देखेंगे कि अगर हमें बैलेंस चेक करना है तो बैलेंस भी हमारा चेक हो जाता है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे अकाउंट होते हैं वो सभी शो होने लगते हैं। तो हम अकाउंट जो भी हमारा होगा तो लास्ट नंबर देख के हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा टोटल बैलेंस दिखाई दे जाता है कि जो अकाउंट है उस पर इतना इतना बैलेंस आपके अवेलेबल बचा हुआ है। इसके बाद हम दोबारा चेक करते हैं कि हम और चीज़ें चेक कर लेते हैं। मिनी स्टेटमेंट अगर देखना चाहें कि किसी ने पैसा डाला तो हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, हम इसी के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट पे जाते हैं और यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे भी आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट डिटेल सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपका अकाउंट है। तो देखिए यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट आपका शो हो जाता है कि कितना पैसा क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, और लगभग इसमें देखा जाए 5 लास्ट ट्रांजेक्शन आपको शो करते हैं। देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है कि लास्ट 5 ट्रांजेक्शन से एक आइडिया लग जाता है कि पैसा आया गया है और ये देख कर दे और इतना बैलेंस है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम अगर मोबाइल नंबर चेक करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन देख रहे होंगे, तो अकाउंट पे जाते हैं हम। और अकाउंट पे जाने के बाद अगर हमें रिक्वेस्ट करना, यानी कि मोबाइल लिंक चेक करना कौन सा नंबर हमारा, यानी ईमेल लगा हुआ है इसी अकाउंट पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाती है, आपका ईमेल लिख के आ जाता है कि आपके इस डिटेल्स पर अकाउंट पर ये नंबर लिंक है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है और आसानी से चेक कर सकते हैं। अपने रिश्तेदार दोस्तों को, भाइयों को, और जो भी घर में लोग हैं आपके, फैमिली को शेयर करिए कि चीज़ें पता चल पाएँ, कि घर बैठे चीज़ें कर पाएँ। तो देखिए अगर आपको स्टेटमेंट का रिक्वेस्ट चाहिए तो आप स्टेटमेंट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चीज़ें पता चल जाएंगी और आपका प्रोसेस सक्सेसफुली डिलीवरी हो जाता है आपकी ईमेल आईडी पे। तो आप अपनी ईमेल आईडी पे अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कर सकते हैं, मीन से अपना चेक कर सकते हैं कि आपका रिसीव हुआ तो उसको ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और इसी प्रकार की बहुत ही सारी जानकारी के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो साथ में। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी प्रकार से आप अपने दोस्तों को शेयर करिए कि वो भी इसका लाभ ले सकें।